स्वार्थी दानव। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। बाग में कोमल हरी घास और उसके आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिला करते थे। फलों से लदे शब्तालू के वृक्ष थे और उन वृक्षों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते थे कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें ही देखते और सुनते थे और आपस ओहो, हम कितने सुखी हैं। बच्चे इस बात से बेखबर थे कि वह बगीचा तो किसी दानव का था और वह दानव अपने मित्र के यहाँ 7 वर्षों से रह रहा था। परंतु जब वह लौट कर आया तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते हुए देखा। वह अत्यंत कठोर स्वर में चिल्लाकर बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। दानव ने कहा, यह बाग मेरा है, सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और द्वार पर एक सूचना लगवा दी, प्रवेश निषेध। वह एक स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह भी नहीं थी, वे सड़क पर ही खेला करते। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की तारीफ करते। ओह, हम कितने सुखी थे। वसंत का आगमन हुआ। सारा देश नन्ही निकलियों और छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। पार्थी दानों के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। बाग में पक्षी न बसेरा करते न नाचते गाते। पौधे भी वहां फलना फूलना भूल गए थे। एक दिन एक सुंदर से फूल ने घास में से अपना मुंह दिखाया, किंतु प्रवेश निषेध की उस सूचना को देखकर उसे बच्चों के लिए इतना रंज हुआ कि वह उसी धरती की गोद में समा गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर यदि किसी की मेहरबानी थी तो बर्फ और कोहरे की। बसंत तो इस बाग को अछूता ही छोड़ गया है। उन्होंने कहा, चलो वर्ष भर हम इसमें निर्वाह करेंगे। बर्फ ने अपनी सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफ़ेदी चढ़ा दी। उन्होंने उत्तर की हवा को भी आमंत्रित किया और वह भी उनके साथ आकर रहने लगी। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहर मारते। यह तो बड़े आनंद की जगह है, उन्होंने आपस में कहा। यहाँ तो ओले भी आ जाए तो अच्छा है। ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे दानों के उस किले पर ओले बरस दे। किले की छत टूटने लगी। बगीचा तो सारा तबाह हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आता बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर उस जमे हुए सफ़ेद बगीचे को देखकर स्वार्थी दानव ने कहा, अब तो ऋतु में परिवर्तन होना ही चाहिए। किंतु ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वसंत का आगमन ही नहीं हुआ, शरद का आगमन हुआ। उसने एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु दानों के बगीचे को अपने सौंदर्य का एक कण भी नहीं दिया। यह तो स्वार्थी दानव है, उसने कहा। दानों के बगीचे में शीतकाल स्थायी हो गया। वृक्षों पर पौधों पर उत्तर की हवा, कोहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। एक दिन सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानों को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना कर्ण मधुर था कि उसने समझा राजा का कोई गवैया पास में से जा रहा होगा। पर वहाँ और कोई नहीं, खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी।
दाना को तो पक्षियों का संगीत सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उसे उस दिन का वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसी क्षण से आंधी पानी रुक गया, ओले गिरना बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के एक हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता है वसंत का आगमन हो गया है, दानव ने कहा और बिछौने से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने आनंदित हुए कि उनका हृदय खिल उठा। कोमल पुष्प राशि से सजाकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं को बच्चों पर पसार दिया। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे और फूल हरी भरी घास में से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकाल कर हंस रहे थे। यह एक बहुत ही नैनाभिराम दृश्य था। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी और वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियों तक नहीं पहुँच सकता था। बच्चा दुख से डावाडोल हो रहा था और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी बर्फ जमी हुई थी और उत्तरी हवा उसे झकझोर रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियाँ उसकी ओर झुका दी। किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उन पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर दानों का भी हृदय पसीज गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग में वसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर बिठा दूंगा, इस दीवार को भी तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने पूर्व कृत्यों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। नीचे उतरकर आहिस्ते से दरवाजा खोलकर वह बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। बगीचे में फिर शीत ने अधिकार जमा लिया। वह एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में से आंसू भरे हुए थे। वह दाना को नहीं देख पाया। दबे पांव बच्चों के पास पहुंचकर दानों ने उसे उठाकर वृक्ष पर बैठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठा। पक्षी आकर उस पर गान करने लगे। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर दानों के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि दानों अब वह दुष्ट दानों नहीं रहा है, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ ही वसंत लौट आया। बच्चों, अब यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। उस बगीचे की दीवार तुड़वा डाली। जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा दानव बच्चों के साथ उस अनुपम बाग में खेल रहा है। अभी दानव और बच्चे साथ में खेलने लगे।